एक आ बचपन जाएगी। से लाइन है और वो बहुत बहुत वक्त तक वो मेरी स्टडी टेबल के ऊपर हॉस्टल में और अदरवाइज लिखी रही कि तलवारों की धारों पर इतिहास हमेशा बनता है, जिस ओर जवानी मुड़ती है उस ओर जमाना मुड़ता है। हम दम्भ भरते हैं और सीना ठोक कर कहते हैं कि भारत विश्व का सबसे युवा राष्ट्र है। 60% लोग 35 वर्ष से कम आयु के हैं। अगर इस देश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है तो मुझे लगता है वो समस्या नहीं है, वो टिकिंग टाइम बॉम्ब है, वो त्रासदी है कि जिस दिन वो बम फट गया बहुत दिक्कत हो जाएगी। और इसीलिए जो राहुल गांधी जी ने कहा है, जो कांग्रेस पार्टी का विचार है, इशू नंबर 1 to इशू नंबर 10 आज बेरोजगारी है, बाकी सारी बातें बेमानी है। बेरोजगार कौन है? इस देश का जो युवा बेरोजगार है वो नौकरी मांग रहा है। ऐसा नहीं कि नौकरी बन नहीं सकती है, कुछ चीजें हैं जो समस्या थी और उसका हमने समाधान देने की कोशिश करी है। माँ बाप एक रोटी कम खाते हैं कि बच्चा पढ़ जाए कुछ बन जाए, चलो बच्चा भी मेहनत करता है पढ़ाई लिखाई करके, किसी तरह से गाजर मूली की तरह बस ट्रेन में भरकर जाकर पेपर दे आता है, पेपर देकर निकलता है, पता चलता है पेपर लीक हो गया, परीक्षा निरस्त हो गई, अब अगली भर्ती कब आएगी है नहीं पता। मैं यूपी का एग्जाम्पल देती हूँ, 7 साल बाद पुलिस भर्ती हो रही थी, 50 लाख बच्चे थे, पेपर लीक, बच्चों को कुछ नहीं पता अब अगला क्या होना है। उसके बाद ऐसे तमाम सरकारी पद है 30 लाख से ज्यादा पूरे हिंदुस्तान में जो खाली पड़े हुए हैं। उसके अलावा बड़े बड़े प्रोग्राम्स आते हैं शार्क टैंक जैसे, बहुत सारे युवा हैं जिनको अगर रोजगार कर नहीं मिलता है तो वो अपना कुछ व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, उनको शार्क टैंक तो पैसे नहीं देता, वो बैंक के पास जाते हैं, बैंक कहते हैं आप कोलैटरल लाइए। अब निम्न मध्यम वर्ग के पास कोई इतना बड़ा कोलैटरल होता नहीं है। तो हमने जब ये सारी समस्याएं देखी, हमने जब ये सारी चीजें देखी और फिर बड़े बड़े उद्योगपति कहते हैं कि इंडिया का जो यूथ है वो एम्प्लॉयबल ही नहीं है, टैलेंट डेफिसिट है जी, तो ये सारी समस्याओं के कुछ समाधान थे और ये समाधान बड़े साफ थे। पहला समाधान हमारा, और इसमें 5 मुख्य बातें हैं जो मैं करना चाहूंगी, भर्ती भरोसा जी, पहली नौकरी पक्की, गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा, पेपर लीक से मुक्ति और अंत में युवा रोशनी। भर्ती भरोसा और ये संक्षिप्त में ही आपको बताऊंगी जी, जो 30 लाख सरकारी पद खाली पड़े उनको हम भरेंगे, और सिर्फ इसलिए नहीं भरेंगे क्योंकि नौकरियां मिल जाए। सरकारी पदों में आरक्षण होता है, आरक्षण से दलित आदिवासी और पिछड़ों को प्रतिनिधित्व मिलता है। ये जो सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हुई हैं इससे इन लोगों के हक का हनन हो रहा है। हम सरकारी नौकरियां सारी भरेंगे और नई अपॉर्चुनिटीज लाएंगे। दूसरा हमारी, और ये बड़ी बात है, पहली नौकरी पक्की। इसका क्या मतलब है? ग्रेजुएट या डिप्लोमा धारक अगर नौकरी के लिए करना चाहता है तो एक अप्रेंटिसशिप एक्ट के चलते हम 1 साल के लिए उनको 1 लाख पर, करीब 8500 महीने पर, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम का पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में हिस्सा बनाएंगे, जिससे उनका टैलेंट डेफिसिट की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो और वो फिर एम्प्लॉयबल हो, जैसा कि इंडियन इंडस्ट्री बात करती है। तीसरी बड़ी बात है पेपर लीक से मुक्ति की। पेपर लीक हो जाता है, बार बार पेपर लीक हो जाता है, ये कौन माफिया है? मतलब अब 10वीं क्लास का पेपर लीक हो गया हरियाणा में, अभी थोड़े दिनों पहले यूपी बोर्ड का पेपर लीक हुआ था, मतलब 10वीं 12वीं का पेपर लीक हो जाना बड़ी बात है, पुलिस भर्ती का, यूपी टेट का, तमाम पेपर। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कुछ ही राज्यों में हो रहा है, ये अब देशव्यापी समस्या बनती जा रही है। हम इसके खिलाफ एक सख्त कानून तो बनाएंगे ही, हम एक मॉनिटरी कॉम्पनसेशन उन लोगों को देंगे जिनका 31 दिसंबर के आसपास 2023 तक पेपर लीक हुआ है। उसके बाद जो चौथी बड़ी बात है, और ये बात मैं बहुत, ये बहुत जरूरी बात है, गिग वर्कर्स कौन है? ये लोग, वो लोग जो आपके घर स्विगी जोमैटो से खाना लाते हैं, जिनकी उबर ओला से आप चलते हैं, जो वो ब्लिंकिट से कुछ लेके आ जाते हैं, इनका क्या है, 10 मिनट में पहुंचाना है, तेज गाड़ी चला रहे हैं, जल्दी से कुछ कर रहे हैं, अगर इनका एक्सीडेंट हो जाए या इनके साथ कुछ हो जाए तो इनकी कोई सुरक्षा नहीं है, कोई पीएफ, कोई ग्रेचुटी, कोई हेल्थ वो नहीं है। हम इनकी सुरक्षा के लिए एक कानूनी स्वरूप उसको देना चाहते हैं। और अंत में युवा रोशनी, 5000 करोड़ का एक स्टार्टअप फंड है जिसका एक्सेस जिले, हर जिले के पास हो, और ये करीब करीब 1 लाख युवाओं को उनके स्टार्टअप में पैसा देगा। इन मोटे कैलकुलेशन के चलते सबसे पहला लाभ 5 करोड़ लोगों को मिलेगा, 30 लोगों को सरकारी नौकरी मिलेगी, करीब 2.5 करोड़ लोग मेरे ख्याल से हर साल किसी ना किसी एग्जाम में जाते हैं, उनको राहत मिलेगी, करीब 1.2 करोड़, 1 करोड़ 20 लाख गिग वर्कर्स हैं, करीब 1 लाख लोगों को स्टार्टअप में, और जो पहली नौकरी पक्की है उसके अंतर्गत 1 करोड़ युवाओं को हर साल इस तरह के अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम का हिस्सा हम बना पाएंगे। मुझे लगता है ये बड़ी बात है, मुझे लगता है कि मुद्दे की चर्चा इस पर होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आज देश में युवा चाहता है कि आपने कुछ अनाउंस किया, बीजेपी उसको क्रिटिसाइज करना चाहती है, उस पर चर्चा करना चाहती है, उसको बेटर करना चाहती है, वो करे। बीजेपी, आप बात कर रहे हैं पूरब की, वो कहेंगे पश्चिम,
आप बात कर रहे हैं उत्तर की, वो कहेंगे दक्षिण। आप रोजगार की बात करेंगे, वो इसराइल लेकर चले जाएंगे। आज देश की ये त्रासदी है राजीव जी, और आप लोग इस बात को दिखाते हैं और समझते हैं कि देश के युवा एक वॉर जोन जाने को तैयार है। हरियाणा और यूपी के लड़के लाइन लगाकर कहते हैं हम युद्ध क्षेत्र चले जाएंगे, कहीं तो रोजगार मिलेगा। पुणे में एक नौकरी निकलती है हिंजनवाड़ी में, और 3000 लोग लाइन में लगे हैं। रेलवे ग्रुप डी की सफाई कर्मचारी की नौकरी निकालता है, उसके लिए पीएचडी और एमबीए लाइन लगा के खड़े। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी एक त्रासदी है, अगर समय रहते इसका समाधान नहीं किया गया तो ये जी, हमारे डिजास्टर बनेगी। सुप्रिया जी, ये योजना तो बहुत अच्छी है, लेकिन क्या ये आप जन जन तक और खासकर उन युवाओं तक इतनी जल्दी, चुनाव का वक्त है, समय कम है, कुछ दिनों में चुनाव की घोषणा हो जाएगी, चंद दिनों में पहुंचा पाएंगे आप लोग? बिल्कुल, मुझे पूरा विश्वास है कि पहुंचा पाएंगे। ऑलरेडी ये आम जनमानस में नैरेटिव का हिस्सा बन रहा है, हमारे पास बहुत फीडबैक आता है। मुझे लगता है जिन युवाओं के लिए ये योजना बनाई गई है, जिनको केंद्र बिंदु रख के बनाया गया है, वो सोशल मीडिया पर है, वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर है। मुख्य धारा के मीडिया को भी अंततोगत्वा ये दिखाना पड़ा, क्योंकि युवा एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिनको वो एड्रेस करना चाहते हैं। बात पहुंचेगी, और जब बात आपके पते की होती है तो आप खुद उसको आगे बढ़ाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये बड़ी चर्चा का हिस्सा बनेगा, हम लोग भी इसको पुश दे रहे हैं, और आपसे मेरा संवाद इस बात का प्रतीक है कि हम लोग उन प्लेटफॉर्म्स पे बात करना चाहते हैं जो इस मुद्दे की बात को और बढ़ाएंगे। जी, राहुल गांधी जी अपनी यात्रा के दौरान, यात्रा से ही युवा शक्ति की बात निकली है, पांच न्याय की बात निकली है, लेकिन इस यात्रा के दौरान लगातार जाति आधारित जनगणना की बात भी कर रहे हैं, जिनके बारे में आप बता भी रही थी अभी, तमाम अलग अलग वर्ग जो हैं, क्या ये सुप्रिया जी ये आने वाले चुनाव में आपके लिए ट्रंप कार्ड के रूप में आप लोग इसको इस्तेमाल करने वाले हैं? देखिए, ट्रंप कार्ड होगा या नहीं होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ये मुद्दा जरूरी है कि इस पर चर्चा हो, और इसलिए जरूरी है। आज राहुल गांधी जी ने इस पर बात करी है कि गिनती करो। मुझे लगता है, और एक वो एग्जांपल देते, वो बड़ा सुनने में बहुत ऐसा लगता है कि छोटी सी बात है, आपके पैर में मोच आ गई, अब वो मोच है या लिगमेंट टेयर है या वो हड्डी टूट गई है, इसका समाधान तो एक्सरे कराकर ही होगा। जातिगत जनगणना और आर्थिक जनगणना उसी एक्सरे का नाम है। राहुल जी का कहना बहुत साफ है, कितने आदिवासी, कितने दलित, कितने पिछड़े वर्ग के लोग इस देश में हैं, कितने जनरल कास्ट के लोग गरीब हैं। आप नीति निर्माण कैसे कर रहे हैं? आज हम बड़ी बड़ी नीतियां सदन में बैठकर बना देते हैं, किस आधार पर हम बना रहे हैं? पता तो चले कि कौन गरीब है, वो क्या अपेक्षा करता है सरकार से, उसको क्या चाहिए, किस तबके के कितने लोग हैं, उनका क्या प्रतिनिधित्व। एक छोटी सी बात राहुल जी करते हैं, 90 सेक्रेटरीज इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में 3 पिछड़े वर्ग से। मैं उस बात को और आगे ले जाती हूँ। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर टाइप करें DB Live, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB Live, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार।